हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गरीबी एक चुनौती का दूसरा हिस्सा, बोले तो पावर्टी एज ए चैलेंज का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने ये देखा कि गरीबी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कौन से लोग गरीब होते हैं और कौन से नहीं। साथ ही हमने ये भी देखा कि अगर एक पर्सन गांव में रहता है तो उसको कितने कमाने पड़ेंगे पावर्टी लाइन से ऊपर आने के लिए, और वहीं अगर एक पर्सन शहर में रहता है तो उसको कितने कमाने पड़ेंगे। ये सारी बातें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली हैं। अब हम इस पार्ट में ये पढ़ेंगे कि क्यों इतने सारे सालों के बाद भी हम अभी तक गरीब हैं और आखिर प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों हम इसको चैलेंज कहते आ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, और उन सारी स्कीम्स के लॉन्च होने के बाद भी अभी तक भी हालात वहीं के वहीं। तो चलो शुरू करते हैं। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, 1970s के बाद ना हमारी हालत में थोड़ा सुधार हुआ, हम पहले जितने गरीब नहीं रहे। फिर भी 2011-12 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 21.9% गरीब लोग रहते हैं। 21.9 मतलब तुम लगा लो अप्रोक्सीमेटली 22% तो हो ही गए। और हाँ, एक बात और, ये जो गरीबी का रेशो है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जहाँ पे बड़े बड़े अंबानीज और टाटाज और बिरलाज रहते हैं, और कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जहाँ पे चुन्नू मुन्नू एकदम गरीब लोग टाइप के रहते हैं। अब अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा, तो वहाँ ना बड़े बड़े लोग रहते हैं, मतलब वहाँ गरीबी का रेशो बहुत ही कम है, यूजुअली लोग वहाँ पे अमीर ही मिलेंगे। और रही बात बिहार उड़ीसा की, तो वहाँ के लोगों का तो जीवन बहुत ही बुरा है, उनकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है। अगर तुम चाहते हो कि मेरी हालत सुधरे तो इस वीडियो को ना शेयर करो, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो ऐसा चाहो और फिर शेयर करो। बिहार का जो पॉवर्टी परसेंट है ना, वो है 33.7%, मतलब अगर वहाँ तुम 100 लोगों का सर्वे करोगे तो उसमें से ऑलमोस्ट 34 तो गरीब ही निकलेंगे। और अगर वही उड़ीसा की बात करें तो वहाँ का परसेंटेज है 32.6%। अब ये जो स्टेट्स है ना, इनका गरीबी का जो परसेंटेज है वो ओवरऑल इंडिया के एवरेज परसेंटेज से भी ज़्यादा है। ओवरऑल इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 22% लोग गरीब है, और इन दो स्टेट्स में 22% से ज़्यादा लोग गरीब है, मतलब इन दोनों स्टेट्स की हालत बहुत खराब है। कुछ स्टेट्स जो है ना, अगर आप पंजाब और हरियाणा को छोड़ भी दो तो भी वहाँ पे पावर्टी का रेशो ना बहुत कम है। तो आखिर इन स्टेट्स ने ऐसा किया तो किया क्या, उनके हाथ कहीं कोई मैजिक फॉर्मूला तो नहीं लग गया? ऐसा नहीं है, इन लोगों ने ना अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाई। वैसे वो जो स्टेट्स है ना जहाँ पे पावर्टी का नंबर बहुत कम है, उनमें से कुछ तो हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो केरल है ना, यहाँ पे भाई साहब, यहाँ की गवर्नमेंट ने ना ह्यूमन रिसोर्स पे खतरनाक इन्वेस्टमेंट किए। तुमने सुना ही होगा कि केरल का जो एक अनपढ़ गंवार भी होता है ना, वो भी इसी फसाटेदार अंग्रेजी में बात करता है, आय हाय हाय। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और तो और बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी, नाम सुने कभी उनके? वेणुगोपालन, रामस्वामी, रामचंद्रन, मतलब ये सब कहाँ से आते हैं? सारे के सारे केरल से ही आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो लिटरेसी लेवल है ना, वो भी बहुत खतरनाक है। कहने का मतलब कि अगर पढ़ लिख लोगे ना तो गरीब नहीं रहोगे, इसलिए थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो। अब देखो, ये तो थी केरल की बात। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें ना, तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स के कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए जिससे उनको गरीबी हटाने में हेल्प मिली। और अगर आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करो ना, तो वहाँ पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इन सारी चीज़ों की वजह से ना इन स्टेट्स में गरीबी का नामो निशान थोड़ा तो बचा था, पर बाकी ख़त्म हो गया। वर्ल्ड बैंक जो है ना, उसने बोला कि ऐसे जो भी लोग हैं जो डॉलर 1.90 से कम कमाते हैं एक दिन में, वो सारे के सारे गरीब हैं। एक मज़ेदार बात मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो चाइना है ना,
वैसे तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मेरी पसंद के हिसाब से तो एनसीईआरटी का सिलेबस चलता नहीं है ना। 1981 तक चाइना जो ना खतरनाक गरीब था, बहुत सारे लोग गरीब थे। 1981 में ना चाइना में 88.3% लोग गरीब हुआ करते थे, भयंकर गरीबी। पर उन्होंने गजब का इम्प्रूवमेंट दिखाया, मात्र 14.7% 2008 में, और तो और मात्र 0.7% लेस देन 1% 2015 में। भाई साहब, ये जो चाइना ने कमाल किया ना, क्या कहने उसके तो। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गरीबी के ना बहुत सारे अलग अलग रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो ब्रिटिश लोग आए ना, उन्होंने जो हमें इतने सालों तक रूल किया, उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, इन सारे बिजनेसेस की तो ना बैंड बजा के रख दी। इनके टाइम पे ऐसी कोई भी पॉलिसी, ऐसे कोई भी रूल्स बने ही नहीं जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, जिससे हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो। तो इन सारे रीजंस की वजह से ना हम थोड़े गरीब ही रहे शुरू से। तो अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे पहले ही बैंड बजी हुई है, ऊपर से पॉपुलेशन इतनी ज्यादा। तो ये हाई पॉपुलेशन और लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों ने मिलके ना सिचुएशन को और बहुत बुरा बना दिया, और हम गरीब से गरीब, गरीब से गरीब होते ही चले गए। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें ना, तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ने मिलके थोड़ी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज को डेवलप किया, पर उनका नंबर बहुत ही कम था। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो जॉब्स कर पाए, तो बहुत सारे लोग बेचारे या तो ऑटो रिक्शा चलाने लग गए, या मजदूरी करने लग गए, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने लग गए। और तुम्हें पता ही है कि ये सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ही आते थे। और अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज तो डेवलप हुई, पर उनका असर ना पूरी कंट्री में नहीं दिखा। कुछ ही स्टेट्स ऐसी थी जहां पे इस ग्रीन रेवोल्यूशन का असर दिखा, तो पूरे देश की जो गरीबी थी ना, उसको ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाया ये ग्रीन रेवोल्यूशन भी। एक तो हमारे देश में ना खेती के लिए जो जमीन है वो पहले ही कम है, ऊपर से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ना ये जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया नहीं, तो इसके कारण गरीबी और बढ़ती गई। और वैसे भी लैंड और रिसोर्सेस का ना सबको इक्वली एक्सेस नहीं था। कुछ लोग जो थे उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज थी, और कुछ लोग जो थे उनके पास ये सारे ऑप्शंस थे ही नहीं। तो जिन लोगों के पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज थी वो पहले ही अमीर थे और अमीर होते गए, और जो बेचारे गरीब थे ना वो और गरीब होते गए। तो इंडिया में ये जो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है ना, ये दिन पे दिन बढ़ता ही गया। और बहुत सारे स्टेट्स तो ये पॉवर्टी के इशू को ढंग से टैकल ही नहीं कर पाए। और तो और इंडिया में ना ये जो सोशल और रिलीजियस सेरेमनीज होती है ना, लोग इस पे इतना खर्चा करते हैं भाई साहब, भले पैसे नहीं होंगे पर किसी से लोन लेंगे, उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, पर फिर भी इन सेरेमनीज पे बहुत खर्चा करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लोन तो ले लिया तुमने, चुकाने की हैसियत तुम्हारी है नहीं, तो अब क्या होगा, उस पे लगेगा ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और एक दिन वो किसान या वो गरीब कर्ज में पूरी तरीके से डूब चुका होगा। अब बस बहुत हुआ गरीबी गरीबी गरीबी। अब हम बात करेंगे कि इस गरीबी को हटाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स बनाई है। तो ये जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है ना, इसको बेसिकली तुम दो हेड्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बोले तो ऐसी एक्टिविटीज करना, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आए, लोगों को जॉब्स मिले, लोग पैसे कमाएं और हमारी इकोनॉमी के डोले शोले बने। कहने का मतलब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। और दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी स्कीम्स, मतलब स्पेसिफिकली गरीबों के लिए ऐसी स्कीम्स बनाना जिससे कि वो गरीबी के जीवन से बाहर निकल के जीवन के थोड़े मजे ले पाए। आजादी के कुछ सालों बाद तक, बोले तो 1950 से लगा के 1980 तक हमारी जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ थी ना, उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया। मतलब
हम गरीब के गरीब ही रहे। बहुत सारी स्कीम्स निकाली गवर्नमेंट ने, पर फिर भी पॉवर्टी का परसेंटेज ना 45% ही बना रहा पूरे 30 सालों तक। पर 1980s के बाद तो हमने जो स्पीड पकड़ी कि हम दुनिया की सबसे तेज तो नहीं, पर हाँ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ गया था हमारा नाम। इससे एक बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम होगी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन ये दोनों ना साथ साथ कदम मिला के चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंटी पॉवर्टी स्कीम्स की जो हमारी गवर्नमेंट ने निकाली। नंबर वन, मनरेगा, बोले तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इतना लंबा नाम, इससे तो अच्छा मनरेगा ही ठीक है। ये जो स्कीम है ना, ये 2005 में आई थी और इस स्कीम के हिसाब से ना गवर्नमेंट मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराती है। देखो पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि बहुत सारे जो डेली वेजर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, उनको बेचारों को ना रोज रोज काम ही नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन में बहुत सारा काम मिल जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे दिन तक कोई काम नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ये स्कीम लाई कि भाई 100 डेज तक तो गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि हम तुमको काम देंगे ही देंगे, और अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाई ना तो भी गवर्नमेंट को पैसा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम ही है एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो अब अगर एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो ठीक, और नहीं तो पैसे तो मिलेंगे। इस स्कीम की 1/3 जॉब्स जो है ना वो तो सिर्फ विमेन के लिए रिजर्व्ड है। जब ये स्कीम शुरू हुई थी ना, मतलब शुरू शुरू के सालों में 2006-07 में, एवरेज वेज था 65 रुपए और ये बढ़ के हो गया 132 रुपीज 2011-12 में। और एक बात और, ये जो एवरेज वेज है ना, ये कोई ऑल अक्रॉस इंडिया यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ स्टेट्स थोड़ा ज्यादा पैसा देती है और कुछ स्टेट्स थोड़ा कम पैसा देती है। अब देखो हरियाणा तो जो है ना अमीरों की स्टेट है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, वो लोग तो अपने मजदूरों को भी ना 281 रुपीज पर डे के हिसाब से पे कर देते हैं। और बेचारा बिहार, वहाँ के मजदूरों को मिलते हैं सिर्फ 168 रुपीज पर पर्सन पर डे। अब है स्कीम नंबर 2, PMRY, बोले तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका नाम छोटा ही है। ये चालू हुई थी 1993 में। ये स्पेशली उन लोगों के लिए चालू हुई जो पढ़े लिखे तो हैं, स्किल्ड तो हैं, पर उनके पास ना जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर उनके पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट उनको फंड्स अवेलेबल करवाती थी ताकि वो अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सकें। नंबर 3, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और स्पेसिफिकली गांव और छोटे टाउन्स में। तो जो हमारा 10th 5-year प्लान था ना, उसमें गवर्नमेंट की स्कीम थी कि 25 लाख जॉब्स ऐसे एरियाज में वो लोग जनरेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज SGSY, बोले तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये स्कीम ना 1999 में लॉन्च हुई थी। ये बेसिकली उन फैमिलीज के लिए थी जो एट प्रेजेंट बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, बैंक क्रेडिट दिलवाती थी, मतलब बैंक से लोन्स दिलवाती थी, तरह तरह की सब्सिडीज देती थी, और ये सारी फाइनेंशियल हेल्प करने के पीछे गवर्नमेंट का एक ही मकसद था कि ये सारी फैमिलीज पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएं। और आज की इस लिस्ट में आखिरी स्कीम है PMGY, बोले तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रामोदय मतलब कि बेसिकली गांव को बेटर बनाना। तो प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था गांव में करना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज गेन करें और पॉवर्टी लाइन के बाहर आ जाएं। अब देखो इतनी सारी स्कीम्स तो लॉन्च की, बट उसका रिजल्ट वो नहीं निकला जो हम चाहते थे। इसके कुछ रीजंस तो ये हैं कि ये उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई जितनी की जानी चाहिए थी, और करप्शन तो फिर तुम्हें पता ही है, जो बेनिफिट्स बेचारे गरीबों को पहुंचने थे वो बीच में नेता लोग सारे
चट कर गए। देखो, गरीबी को इंडिया से कम्प्लीटली हटाना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि अब ना यूनिवर्सल एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज और इन सब चीजों की वजह से ना 10-15 साल में हम आराम से गरीबी को ना बाहर निकाल देंगे। अब शुरू होता है अगला चैलेंज। ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे, पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन, ये जो सब था ना, ये मिनिमम सब्सटेंसेस लेवल की बात थी। मतलब कि कम से कम इंसान को इतना तो करना ही पड़ेगा। पर क्या यही जीवन है? दुनिया इतनी आगे पहुंच गई है और अभी भी हम मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल पे ही काम कर रहे हैं। तो अपने को भी ना थोड़ा आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है। अब ये जो है ना कि बस इतना सा कमाओ और पॉवर्टी लाइन के नीचे या ऊपर आ जाओगे, तो इन सब चीजों से हमें बाहर आने की जरूरत है। अब हमें ये देखना होगा कि एजुकेशन अवेलेबिलिटी कितनी है, जॉब सिक्योरिटी कितनी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पर होता है द एंड पॉवर्टी एज अ चैलेंज का। अब तुम सोच रहे होगे कि मैडम ने अभी अभी बोला कि 10-15 सालों में पॉवर्टी एज अ चैलेंज बचेगा नहीं, गरीबी अरीबी सब ठीक ठाक निपट जाएगी, तो आने वाली जनरेशन को क्या पढ़ाएंगे? कुछ न कुछ तो उनको भी पेलेंगे, भलते ही एज अ चैलेंज। उसका लोट तुम मत लो।